हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो भैया। और राम राम, हमें बुंदेली चुगरी से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगरी देखना तुम्हारे। और ये बेरा की खबर है, सागर जिला के बंडा क्षेत्र के गोरा खुर्द महोई खुर्द गांव की, जहाँ पे कल संत आसाराम बापू के अनुयायियों ने, सेवकों ने श्री योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से विशाल भंडारा को आयोजन करो। 18 तारीख है संत आसाराम बापू को आत्म साक्षात्कार दिवस है, जब उन्हें आत्म साक्षात्कार बहुत हो और ये पूरे देश दुनिया में मनाओ जाते हैं। भले ही 2012 के बाद से बापू जेल में हैं और उनके ऊपर लांछन आरोप लगाया गया, देश की अदालत ने भी उन आरोप कहा से कानून तो अंधो है और अंधे कानून के पलट उल्टे सीधे साक्ष्य पास्को एक्ट को उनके ऊपर मामला साबित करके उन्हें सजा दे दी। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म ज्ञानी संत के प्रति जो आस्था है उनके श्रद्धालुओं में वह कम नहीं भाई, बल्कि बढ़ जारी। वो आज ही करोड़ साधक हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी लगन से पूरे सम्मान के संग उनके बताए रास्ता पे चल रहे हैं, गरीब समाज के लोग हैं उद्धार कर रहे हैं, उनको काम में लगे हैं। दीपक चौरसिया जो ने पैसा लेके विदेशी ताकतन से और ये पूरे मामला को मीडिया ट्रायल करके उन्हें बदनाम करने को प्रयास करो, तो ऊपर खुद ससुर के पे पास्को एक्ट को मामला दर्ज होगा, अब गिरफ्तारी के प्रयास करे जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मीडिया में बैठो आदमी है और ससुर को असरदार प्रभावशाली है, तो इसे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, लेकिन उनके लाने भी लगे हैं आदमी। तो जो तो बात की बात है, पहले जो अपन बात कर रहे हैं गोरा खुर्द गांव में, तो गोरा खुर्द गांव में एक गौशाला है, आश्रम के द्वारा वह संचालित होते हैं, सैकड़न गैया हैं, गरीबों को बीमार गैया की सेवा भी होते 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 पे कल सत्संग और सामग्री वितरण को कार्यक्रम भाव भंडारा के संग है। सुबह से हम पहुंचे, बड़ी तैयारी चल रही थी, बढ़िया झंडी अंडी लगा के तैयारी पूरी, एक तरफ भंडारा के लाने पुणी उड़ी बिल नहीं थी, लोचाई लगाई गांव की बिल नहीं थी, बढ़िया गाना गा गा के एक तरफ सेकाई हो रही थी, एक तरफ सब्जी कट रही थी, कहूँ सब्जी बन रही थी, दूसरी जगह झंडी अंडी सब पूरी तैयारी तामझाम से चल रही थी। दोपहर के 12 बजे के बाद आसपास के 5-6 गाँव के आदमी यहाँ वो इकट्ठे हो गए, शुरू हो गए, और फिर नीलू दीदी अहमदाबाद से होते आई बापू की शिष्या, उनके फिर प्रवचन भाए, उनने आदमी के आदर्श जीवन जीवे के सूत्र वाक्य बताए और 2-3 घंटा जो सत्संग चलो, उस तरफ सत्संग चल रहा हो तो इस तरफ कन्या भोज के कार्यक्रम शुरू है, कन्या भोज के बाद फिर बच्चन के भोजन सामग्री और उसके बाद में बाकी कार्यक्रम चल रहे हैं, देखे ले रहे हैं पूरे जो कार्यक्रम। हम जंगल में जाते थे गुरु के यज्ञ की संविदा लेने के लिए, ऐसी यादें दिलाते की हुई गुरु की सेवा, श्री कृष्ण को याद आती, और हकीकत में वो शिष्य की खुद की सेवा है, शिष्य का हृदय शुद्ध होता है सेवा करने से, सेवा करने से हृदय में वस्तु व्यक्ति का राग जो है वो कम होता जाता है और नया राग पैदा ही नहीं होता, पुराना राग खत्म होता जाता है, नवीन राग का जन्म नहीं होता। इसलिए हाथों पे लिख दे सेवा गुरु, Thank you.
के साथ बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम 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 हरि ओम
जो गोरा खोर गांव है वहीं पे बिल्कुल आसपास की सब जगह के आदमी पहुंचे और भंडारा के बाद फिर 300 कछु परिवार चिन्हित करोगा तो ही लाने जिनके तक खावे पीवे नहीं है, ओढ़े बिछावे कपड़ा नहीं है, पहले से सर्वे करके उनके पर्ची देंगे। पर्ची के बाद सबके 5-5 किलो आटा, महिला है तो वो चप्पल, पुरुष है तो वो जूता पहन बे के लाने, कंबल और फिर 100-100, 200-200 रुपये ऐसे दे गए सबके। बच्चन के भी लॉकेट और 10-10 रुपया खाना के संगे वितरण करूँगा और गांव वाले बड़े उल्लास और उत्साह के संगे बढ़िया पूरे जो इति कार्यक्रम में शामिल हुए। और लगो कि ऐसे संत जिनके प्रति आज समाज में नफरत पैदा करा दी गई भर दो गो, लेकिन ऐसे संत के अनुयायी जो पूरा काम कर रहे हैं। एक वेदान समिति सागर की द्वारा होता है कि जो समिति हो, समिति के अलावा युवा सेवा संघ और अन्य मिलकर जो पूरा कार्यक्रम करो, तो
बारे में आश्रम के स्थानीय संचालक का बता रहे, उनकी बात ही सुन ले रहे हैं। आज जो कार्यक्रम भाव काय के लेके भाव, कौन से उद्देश्य है तुझको? ये हमारे संत श्री आसाराम जी आश्रम की ओर से गरीबों के लिए भोजन भंडारा एवं दक्षिणा कंबल, 5 किलो आटा, जूते चप्पल आदि का हमने निशुल्क वितरण किया गया है, जो कि इस एरिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करके और संस्था की द्वारा ये सारा कार्यक्रम परम पूज संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम की ओर से किया जा रहा है। कौन से गांव है, किन किन गांव के लोग आए यहाँ पे? यहाँ 5-6 गांव के लोग आए हैं। एक गोरा खुर्द है, बमोरी है, मजगुआ है, सायपुर है, नारमो खारमो है और जलना गांव। ऐसे 5-7 गांव के लोगों को एकत्रित करके भोजन भंडारा एवं कंबल, आटा, जूता चप्पल आदि का वितरण निःशुल्क किया गया है। किस उपलक्ष्य में किया गया है? यह पूज्य बापू जी की प्रेरणा द्वारा गरीबों में जो गतिविधियां चलाई जाती भारतवर्ष में, उसी के तहत ये भी एक उसी श्रृंखला में ये गरीबों की सेवा हुई है। आज कितने लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? लगभग इसमें 2000 लोगों ने भोजन किया है और 300 से 400 के आसपास गरीबों में सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल भाई है जी। मैं यहाँ संचालक तौर पर पूज्य बापू जी की द्वारा सेवा दी गई है। कौन सा आश्रम है यहाँ पे? यहाँ संत श्री आसाराम जी आश्रम मजगुआ एवं गोरा खुर्द देव जानकी रमन मंदिर की गौशाला की सेवा भी हमें ही को मिली हुई है। सुबह जा देखो तो प्यारा उत्सव हो, हजारों आदि संख्या में शामिल है और जे लोग समझ गए कि ब्रह्म ज्ञानी संत को जो हो रहा है बड़ा काम करते हैं, भले ही उनके खिलाफ आसाराम बापू के खिलाफ साजिशें बहेंगे, लेकिन आज देश भर में दुनिया भर में उनके आत्म साक्षात्कार दिवस के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक गरीब जरूरतमंदन के लाने सेवा को ऐसा काम होते बिना गौर प्रचार प्रसार के। हम तो कहा अचानक तो पहुंच गए सो हमें पता चला, नहीं तो जो कई साल उनसे कार्यक्रम चल रहा वो भी पता ही नहीं रहा, और ना जो प्रचार प्रसार के चक्कर पर आते हैं कहा से इन्हें पता है कि मीडिया कचू कचू दिखाते हैं, लेकिन अब हमारे पास सबके भरोसे है कि जो सही दिखा सच्चाई बता सो इन्हें जरूर बता दो। सो हमें सूचना मिल गई थी सो हम पहुँच गए। सो जाती भैया खबर अगली खबर संगे फिर मिले जयराम जी की।